हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद मी। मेरा नाम है यूसुफ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने काफ़ी पोस्टर रिलीज़ की हैं, जिसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, फील्ड असिस्टेंट के, इसमें बीटेक, एमटेक और मास्टर और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 12th of June है। उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको एलिजिबल हो तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। उन दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो को हम करते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात की गई है, टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 7 वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। इसमें फ्रेशर्स एलवेजर एक्सपीरियंस बंदे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 22,130 से लेकर 78,970 पर मंथ मिल सकती है आपको। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए पीएचडी इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी साइंस, या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किसी भी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सीएस हो, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट। 3 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द सेम एरिया, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, IT, एग्रीकल्चर, विद 10 years ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंस, MVSC और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, IT, एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट, और बैचलर वाले के भी सेम ब्रांचेस होनी चाहिए, जैसे CS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, सारी ही ब्रांचें ऑलमोस्ट एलिजिबल हैं। फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो इसमें ओनली बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अब कैटेगरीज पोस्ट वैकेंसीज़ की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है, प्रोजेक्ट एसोसिएट में 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, फील्ड असिस्टेंट में 3 पोस्ट। इन सब की सैलरी अलग अलग है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 78,970 पर मंथ मिल सकती है आपको। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 37,210 मिल सकती है। फील्ड असिस्टेंट के लिए 22,130। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिंपल, आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन इंटरव्यू, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके ईमेल आईडी पे सबसे पहले आपको पोस्ट करना है CV के साथ। उसके बाद आप इसमें सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी। इसमें अप्लाई कैसे करना है तो इसमें सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो इनके रजिस्टर्ड अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से सारे CV और जो भी फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स के होंगे वो एक PDF फाइल में तैयार कर लें, एक सिंगल PDF फाइल में, और इनके ईमेल पे सेंड करनी है बिफोर 12th of June से पहले। एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए ये कॉल करेंगे, कॉल नहीं तो ये आपके ईमेल पे ही बता देंगे। 15th of June को ट्यूसडे एट टाइम 10 AM टू 1 PM एंड 2 PM टू 5 PM इंटरव्यू की डेट रखी गई है। लास्ट डेट जो है वो 12th of June है। आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स सिंगल PDF में बनाकर इनके ईमेल पे सेंड कर देनी है। फिर ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंटरव्यू में आपको जाना है या नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट इनकी नौकरी लग जाएगी और काफ़ी अच्छी स्टिफंड में मिल जाएगी। और ये वैसे भी ये IIT है तो यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे बॉन्ड बन सकते हैं, एक्सपीरियंस अच्छी मिल सकती है। तो आज की वीडियो यहीं तक, तो फिर आगे हम नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।